वेलकम बैक स्टूडेंट्स। परमिटेशन कॉम्बिनेशन को आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो देख लें, हमने उसमें एक्सरसाइज 3.1 कवर की हुई है। आज जैसा मैंने आपको बोला हुआ था, मैं फैक्टोरियल नोटेशन कंटिन्यू करने वाला हूँ। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? तो बहुत बड़े मल्टीप्लीकेशन को छोटे फॉर्मेट में दिखाने का एक तरीका होता है। मतलब क्या सर? मतलब अगर सपोज कर लो किसी ने कल तुम्हें कह दिया कि भैया 5 फैक्टोरियल, तो ऐसा कोई सिंबल दिखते ही आप डर भर मत जाना। इसका मतलब ये होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है। अब मैं हर जगह पर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिखाऊं, इससे अच्छा हम इसको डिनोट करते हैं 5, और एक एक्सक्लामेटरी साइंस है जिसको हम 5 फैक्टोरियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 4, सो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, और इसका सीधा सीधा मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। नेक्स्ट अगर किसी ने 3 फैक्टोरियल कह दिया तो 3 × 2 × 1। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 1 फैक्टोरियल 1। और एक और चीज़ ध्यान में रखना, आपको हमेशा याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल का हमेशा आंसर 1 आता है। 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 आता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप याद करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, 0 फैक्टोरियल सर इट इज़ 1, 1 फैक्टोरियल इट इज़ 1, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 सो यू विल गेट 2, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 दैट मीन्स यू विल गेट 6, 4 फैक्टोरियल सो 6 × 4 यू विल गेट 24, 5 फैक्टोरियल सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 × 24, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 और 12 120, है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो 5 फैक्टोरियल आ रहा है कितना, आ रहा है 120 आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। ओके, अब जाते हैं 6 फैक्टोरियल सो 720। देखो 6 फैक्टोरियल में ही 720, क्यों? क्योंकि 6 फैक्टोरियल होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, पर हमें ये चीज़ पता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो 5 फैक्टोरियल होता है, मतलब इस तरीके से। और 5 फैक्टोरियल हम ऊपर लिख के आते हैं 120, अगर मैं यहाँ पर हटा के यहाँ पर 120 कर दूँ तो ये आ गया 720। ईजी, मतलब सर हम ऐसे हर चीज़ के टुकड़े कर सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो। कल किसी ने तुम्हें बोला कि अरे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। आप 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 × 5 फैक्टोरियल, या फिर आप लिख सकते हो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, और यू कैन राइट इट एज 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। भाई क्योंकि एक्चुअल में 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और अगर आप हर बार नज़र दौड़ाओगे, मैंने पहले वाले में सिर्फ 6 को साइड में रखा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अरे ये तो 5 फैक्टोरियल बन गया। अगर आगे वाले 2 को हटाए तो 4 × 3 × 2 × 1, ये तो 4 फैक्टोरियल बन गया। तो आप किसी भी फैक्टोरियल के टुकड़े कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से, ठीक। दूसरी चीज़ आपके एक और ध्यान में रहनी चाहिए, अगर किसी ने दे दिया है 6 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल और कहीं पे दिया है 6 / 2 फैक्टोरियल, तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ये सेम नहीं होती है। पहले ये चीज़ भी दिमाग में रखें, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती है। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 2 × 3 का फैक्टोरियल। आप लगे तो चेक कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ पटक के चेकआउट कर सकते हो, पर ये आपस में इक्वल नहीं रहते हैं। तो ये दो बातों का आप और खास विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पे। अगर कल किसी ने बोल दिया n फैक्टोरियल, हमेशा फैक्टोरियल नोटेशन में n जो है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा, अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? n फैक्टोरियल का मतलब होगा सर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है। मतलब n, n से एक छोटा नहीं पता, n माइनस वन, एक और छोटा n माइनस टू, n माइनस थ्री, एंड सो ऑन, 3 × 2 × 1, इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो।
तो क्या सर हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को लिखें n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल? मैंने बोला हाँ, क्योंकि आपने n को साइड में ले लिया, तो ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे बड़ा एन माइनस वन था तो एन माइनस वन आया। जैसा कि मैंने आपको 6 फैक्टोरियल में बताया था, उसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, वैसे एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मैंने 6 फैक्टोरियल को एक और चीज़ लिख दी, 6 इंटू 5 इंटू 4 भी लिख सकते हो, तो इसको भी लिखा जा सकता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। मैंने इसको ऐसा भी लिखा था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर भी n, n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। आप मर्जी चाहे जैसा चाहे लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इस बातों का ध्यान रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको नोट डाउन करके रखें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पे नज़र डालो। इवेल्यूएट बोला हुआ है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो तुम्हें तो पता है 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर याद किया होगा तो 6 फैक्टोरियल 720 होता है, तो 8 इंटू 7 इंटू 720, इसका मल्टीप्लिकेशन आप चेकआउट कर सकते हो, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन चेकआउट करें तो आपको मिलेगा 40,320। कैलकुलेट करिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। नेक्स्ट है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। ठीक, क्या आपको नहीं लगता ये 8 7 6 5 4 3 2 1, ये पीछे वाला, ये तो 8 फैक्टोरियल है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 90 इंटू 8 फैक्टोरियल। पर 8 फैक्टोरियल खुद कितना था? इतना था, सो 90 इंटू 40,320 है ना। मल्टीप्लाई करिए कितना मिल रहा आपको, 36 28 800। चेकआउट करते चलिए साइड बाय साइड। ओके, थर्ड और फोर्थ सम वही जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे उसी के मामले में है। यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है। देखो हम इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। इधर आप पूरा 10 फैक्टोरियल लिख लें, वो तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और 6 फैक्टोरियल आपको पता है 720 होता है, तो उसको डायरेक्टली माइनस कर दें। मतलब एक सीधा सीधा तरीका, ऊपर हमने वैल्यू निकाली हुई है 10 फैक्टोरियल की, उसमें से 720 माइनस करके आंसर निकालें। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आप बोलें 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मैं 6 फैक्टोरियल पे रुक गया क्योंकि पीछे भी 6 फैक्टोरियल था, और अब मैं इन दोनों में 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं निकालूँ 6 फैक्टोरियल कॉमन, अंदर बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 1। सही है, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, एक माइनस करें, और 6 फैक्टोरियल 720 होता है हमें पता है, उसका मल्टीप्लिकेशन करें, आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ वाला जो है इसमें तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, 10 माइनस 6 पहले करें और फिर फैक्टोरियल फाइंड करें। मतलब इसका तात्पर्य है 4 फैक्टोरियल फाइंड करना, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 24। तो चेक करो 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इतना बड़ा आंसर आ रहा है, जबकि 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल इतना सा आंसर आ रहा है। तो वो चीज़ जो मैं आपको पहले कह रहा था कि 10 माइनस 6 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्यूट करना है, हर एक की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ऊपर है 12 फैक्टोरियल, नीचे है 6 फैक्टोरियल। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मैं 6 फैक्टोरियल पे क्यों रुका, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, अपॉन में 6 फैक्टोरियल। आपको पता चल गया 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है,
मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए 6 फैक्टोरियल कट गया। तो बचा कितना, बचा इतना 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इन सब का आपको मल्टीप्लिकेशन चेकआउट करना है। आप चेक करिए, मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है 6,65,280, फिर भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक, तुरंत सेकेंड वाले क्वेश्चन थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन को कह रहा है 12/6 का फैक्टोरियल, मतलब ये 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल था, पर ये 12/6 का फैक्टोरियल, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। 12/6 का फैक्टोरियल मतलब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, मतलब 6 2s are 12, मतलब 2 फैक्टोरियल, और जो कि आंसर आएगा 2 into 1, दैट इज 2। ईजी। थर्ड वाला 3 into 2 का फैक्टोरियल, 3 into 2 का फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, इसी का मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जो कि हमें पता है 720 है, हमने टेबल पढ़ा हुआ है। फोर्थ वाला सेम 3 factorial into 2 factorial, हमें पता है 3 factorial होता है 3 into 2 into 1, और 2 factorial होता है 2 into 1, मतलब ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, और इसी का मतलब ये 12 आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टोरियल निकालो, या दोनों का अलग अलग फैक्टोरियल निकालो, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। समझ रहे हो, ईजी है। अगला वाला देखते हैं, बचे हुए 4 क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, सेकेंड का 5th क्या कह रहा है, 9 factorial upon 3 factorial into 6 factorial। सिंप्लीफाई करना है, हम 9 फैक्टोरियल के टुकड़े करेंगे, लिखेंगे 9 into 8 into 7 into 6, और मैं 6 पर रुक जा रहा हूँ, आगे नहीं लिखते हुए मैं 6 को सिर्फ 6 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे 6 5 4 3 2 1 मतलब 6 फैक्टोरियल आता है। नीचे 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 3 into 2 into 1, या फिर 6 और इंटू में 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कट गया, बचा था आपके पास में 6। तो आप एक बार 3 2s are 3 3s are और 2 1s are 2 4s are कट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 12 into 7, दैट इज 84। ईजी। अगला देखें, 6 factorial minus 4 factorial upon 4 factorial। देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है, 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 6 into 5 into 4 factorial माइनस 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी था और अपॉन में 4 फैक्टोरियल है। आप समझ गए, अरे सर 4 फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा। जैसे ही मैंने कॉमन निकाला 4 फैक्टोरियल, यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 1 और अपॉन में बैठा 4 फैक्टोरियल, ये दोनों भाई साहब कट गए, तो फाइनल आंसर हमें मिला 29। ईजी। नेक्स्ट देखते हैं, 8 factorial upon 6 factorial minus 4 factorial। अगेन 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial। नीचे 6 को लिखा जा सकता है 6 into 5 into 4 factorial माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे में से 4 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, मतलब आपको मिलेगा ऊपर 8 into 7 into 6 into 5, और नीचे मैं 4 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 4 फैक्टोरियल कट गया है, नीचे ये 30 हो जाएगा माइनस 1, मतलब ये 29 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5s are 30 हो जाएगा, 7 8s are 56 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 56 into 30 और अपॉन में 29। अगर 30 से मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर 6 3s are 18 आ जाएगा, 15 और 16 आ जाएगा, एक 0 और अपॉन में 29। हो गया, ईजी है। एट्थ वाले पे नज़र डालें, वो तो और ही लल्लू है। इसको लिखा जा सकता है 8 factorial upon 2 factorial। 2 फैक्टोरियल तो हम जानते हैं 2 होता है, और शायद से 8 फैक्टोरियल को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था और कुछ 40,820 आया था मेरे हिसाब से, अगर कुछ होगा गलत तो चेक कर लेंगे। अपॉन में 2, 2 से डिवाइड लगाते ही आप समझ गए यहाँ पर आ जाएगा 2 0
और चार, फिर वन और एक ज़ीरो। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 20,160 अपना आंसर में कुछ गड़बड़ है, 40,320 था वो, 8 factorial 40,320 था। सो यू विल गेट 40,320 अगर रखते हैं हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा 20,160। सो 20,160 इज़ द फाइनल आंसर। ईजी है आई थिंक सो, मुझे लगता है कि फैक्टोरियल नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत आई होगी, कंपेयर टू फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें कम सोचना है थोड़े सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स, कुछ क्वेश्चन आएंगे अच्छे पर वो हम ईजिली सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल नोटिफिकेशन में लिखना है, ये जो प्रोडक्ट दिए हैं वो कह रहा है भैया थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फैक्टोरियल नोटेशन में दिखाओ। तो बोले ठीक है चलो चेकआउट करते हैं। अगर मैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाऊं तो आपको दिखेगा कि अरे ये तो दिख रहा है 9 × 8 × 7 × 6 × 5। अब मुझे इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9, 8, 7, 6, 5, मतलब आगे मुझे क्या लगेगा, 4, 3, 2, 1 अगर मिल जाए, सोचो क्या मिल जाए, 4, 3, 2, 1 अगर मुझे मिल जाए तो वो पूरा का पूरा 9 factorial बन जाएगा, 9 से लेकर 1 तक 9 factorial। तो मैंने लगता है 4, 3, 2, 1 मतलब 4 factorial होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अरे ऊपर 4 factorial नीचे 4 factorial, दैट मीन्स इट बिकम्स 9 factorial अपॉन में 4 factorial। बस इतना लिख के छोड़ दें, वापस से कैलकुलेट ना करें, फिर तो हम वापस यहीं पे आ जाएंगे। इतना ही लिखना है और यहीं पे छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप, 3, 6, 9, 12, 15 अलग दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, क्या करना है। ये है 3, इसको लिखेंगे हम 3 × 1। ये है 6, 3 × 2, 9, 3 × 3, 3 × 4 और 15 को लिखेंगे हम 3 × 5। तो मैंने लगता सब जगह पे 3, 3, 3, 3 अलग है। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, इन सारे 3 को अलग से निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 3 को सब 5 बार मल्टीप्लाई, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 3 raised to 5। और बचा क्या, बचा 1, 2, 3, 4, 5, मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो कि बन गया 5 factorial। इज इट ईजी, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। अच्छा अब इसकी तरफ कूच करते हैं, ये लिख रहा है 9 × 8 × 7 × 6। अगर मुझे इसे फैक्टोरियल बनाना है तो मुझे आगे लगेगा 5, 4, 3, 2, 1, तो मैं लिख रहा हूँ 5, 4, 3, 2, 1, पर ये तो मल्टीप्लाई किया, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। पर ये 5, 4, 3, 2, 1 क्या होता है सर, ये तो 5 factorial होता है, तो ऊपर वाला बन गया 9 और नीचे वाला बन गया 5 factorial। ठीक ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पर 5, then 15, 20। ये देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, कैसे होगा सर, सेम, इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, 5, मैं इनको लिख रहा हूँ 5 × 1 है ये, दूसरा जो है वो 5 × 2 है, तीसरा जो है वो 5 × 3 है और चौथा जो है 5 × 4 है। ठीक है देखो एक्चुअल में तो सब में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ब्रैकेट नहीं लगाए तो भी बात बन जाएगी। अच्छा 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा है, मतलब वो बन गया 5 की पावर 4 और इनटू में 1, 2, 3, 4, अरे सर ये तो 4 factorial हो गए और हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट फोर्थ वाला चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, इवेल्यूएट, और एक फार्मूला दिया है, कह रहा भैया इस फॉर्मूले का आंसर निकाल के बताओ जब n की वैल्यू 8 है और r की वैल्यू 6 है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ लिखा हुआ है, सेकंड और थर्ड इसका मतलब आपके हवाले है। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है n factorial r factorial n - r factorial विच इज़ नथिंग बट
एन की जगह पर 8, मतलब 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल, काफ़ी इजी। 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि सर नीचे 6 फैक्टोरियल है, वो कट जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, और 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया, बचा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, 2 से इस 8 को उड़ाएंगे तो 4 बचेगा, और 7 फोर से हमारे पास 28 आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला, अगेन फॉर्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो वैल्यूज पटकते हैं, n की जगह पे पटकेंगे हम 15, r की जगह पटकेंगे 8, और n माइनस r मतलब 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्सपांड करते हैं, 15 को लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और 8 पे रोक देते हैं हम इसको, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, जबकि अपॉन में एक तो आ गया 8 फैक्टोरियल और 15 माइनस 8 हो जाएगा 7, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल तो खुशी खुशी कट गया, तो इसलिए हमारा बहुत सारा टेंशन हट गया, बचा है अब हमारे पास में 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को एक्सपांड करते हैं और फिर लिखते हैं, तो 7 फैक्टोरियल हमें कैसा दिखने लगेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ इस तरीके से। अब जो जो चीज़ें कट सकती हैं उनको फटाफट निपटाते हुए चलते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 5 3 15 पूरा कट गया, सिमिलरली और कुछ है क्या, हाँ सर 6 2 12 और ये 12 पूरा उड़ गया, बचे कौन कौन है मेरे पास में, इधर 4 बचे, इधर 7 बचा है, तो यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, और अगर 4 है तो 4 के लिए हम एक बार ये 2 2 ज़ा 4 कटेगा और एक 2 5 ज़ा कट जाएगा, तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन छोटा हो गया। अब बचा क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास है 13, यहाँ पर 11, यहाँ पर 5 और इंटू में 9, अपॉन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस अब इनका मल्टीप्लिकेशन निपटाइए और आंसर ले आइए, इतना सा पार्ट आपके हवाले। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, एन की वैल्यू ढूंढनी है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई आउट करते हैं। अच्छा यहाँ पर एन अपॉन 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पर 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल है, तो मैं 6 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जो कि आप अब तक समझ चुके हैं कि हम ये लिख सकते हैं, और पड़ोस में है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस 8 फैक्टोरियल को बोलता हूँ भैया तुम उधर चले जाओ, तो कैसा दिखेगा क्वेश्चन, n एज इट इज 8 फैक्टोरियल, इन दोनों में से डिनोमिनेटर में से 4 फैक्टोरियल निकल गया कॉमन, एक और चीज़ जोश जोश में 4 2 कट करके 2 फैक्टोरियल मत लिख देना, इसका और इसका आंसर अलग आने वाला है, बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मतलब ये बच रहा है 1 बाय 10 और इधर 1, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 10 प्लस 1 11 बाय 10, और हमें कहानी दिखेगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे वाला 4 फैक्टोरियल कट जाएगा इससे, और मल्टीप्लिकेशन में 11 बटे 10 बैठा है, 4 फैक्टोरियल उड़ा देते हैं हम यहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, तो ये 5 और 2 4 उड़ गया, तो बचा है अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 11, तो 11 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए और n की वैल्यू ले आइए, बहुत सिंपल। सेकंड, सेम वे, सेकंड इज दिस मच क्वेश्चन, यहाँ पर है 6 फैक्टोरियल, n अपॉन 6 फैक्टोरियल,
इसको लिखा जा सकता है 4/8 × 7 × 6 factorial, 3/6 factorial. आप समझ गए कि 6 फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा और इस 6 फैक्टोरियल को उधर भेजूंगा तो मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू 6 factorial upon 6 factorial. इधर क्या बचा है, 4 1s are 4 2s, मतलब 1/14 + 3. ठीक है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कट गया तो अब आपके पास बचा है 14 3s, और वो आ जाएगा आपका 42. उसके बाद में 42 + 1 = 43/14, विच इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, इजी है. थर्ड वाले पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, अगर थर्ड वाला भी इजी होगा सो वी विल मूव. ओके, विल डू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ही नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला, 1/n = 1/4 − 4/5. अगर n फैक्टोरियल दिख रहा है तो कोशिश करें कि नीचे भी सेम सेम बन जाए. सेम सेम का मतलब क्या होता है, सर यहाँ 5 फैक्टोरियल है तो इसको 4 फैक्टोरियल को मैं 5 फैक्टोरियल बना सकता हूँ. कैसे, इस तरीके से 1/n factorial. इसको मुझे अगर 5 फैक्टोरियल बनाना है तो मुझे सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 5/5 × 4 factorial −4/5 factorial. ये बन जाएगा 5 factorial, मतलब दुनिया वालों को दिखेगा 5/5 factorial −4/5 factorial. आपको पता चल गया कि सर LCM की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर वालों को माइनस कर दो. 5 में से 4 गया, 1 बचा, मतलब 1/n factorial 1/5 factorial. अगर सीधा सीधा कंपेयर करें दैट इज़ n इज़ इक्वल टू 5. देखो जोश जोश में ये मत बोल देना n इज़ इक्वल टू 5 factorial. दिस इज़ n फैक्टोरियल एंड दिस इज़ 5 factorial, मतलब n की वैल्यू 5 के बराबर है. इजी. नेक्स्ट वाला देखते हैं, n + 1 factorial is equal to 42 × n − 1. 42 × n − 1 कैसे करें, देखो भाई क्या आपको पता है n फैक्टोरियल का मतलब होता है n × n − 1 × n − 2 × n − 3 and so on, मतलब हम एक एक कम करते हुए चलते हैं. यहाँ पर लिखा है n + 1 factorial, ये बड़ा है. पहली चीज़ कौन बड़ा है वो समझ में आना चाहिए, n + 1 बड़ा है या n − 1. सर ऑब्वियसली n + 1 बड़ा है. n + 1 factorial को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे n + 1 × में एक कम करेंगे, इसमें से एक कम किया तो n, इसमें से एक और कम किया तो मुझे मिलेगा n − 1 factorial. मैं यहीं रुक गया, क्यों रुका, कुछ को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर ये दोनों सेम है, मैं इनको कट कर सकता हूँ. तो मुझे मिला n + 1 × n, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, n + 1 × n = 7 × 6. ऐसा क्यों, क्योंकि ये n + 1, मतलब ये एक कोई नंबर और उसमें एक ज़्यादा, ये भी तो वैसा ही हुआ n + 1. चेक करो, ये कोई नंबर उसमें एक ज़्यादा. दैट मीन्स अगर कंपैरिजन करें तो n की वैल्यू मुझे मिली 6. अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट पे नज़र डालते हैं, आखिरी क्वेश्चन, आज का भी आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे मैं वाइंड अप करूँगा. उसके बाद 7, 6 से लेकर 10 तक के कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसे. ओके, n + 3 factorial 110 है और ये सब कुछ दिख रहा है. हमें पता है बड़ा कौन है, चेक करो. तो पहली चीज़ हमें पता है n + 3 बड़ा है, तो n + 3 के टुकड़े करेंगे. कैसे टुकड़े करेंगे, पहले तो आएगा n + 3 factorial, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, n + 3 मल्टीप्लाइड में एक कम n + 2, एक कम n + 1 factorial. मैं रुक गया वहीं पर, n + 1 पे आते रुक गया. क्यों, क्योंकि मुझे पड़ोस में n + 1 factorial दिख रहा है जो कि खुशी खुशी कटने के लिए तैयार है. और अब मुझे मिला n + 3 n + 2, ध्यान से n + 3 n + 2, एक नंबर उसमें एक ज़्यादा, ये कोई नंबर है उसमें एक ऐड करने पर ये मिलेगा, सही है. तो मुझे भी इसके ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 11 × 10, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर.
तो मैं कंपेयर करता हूँ, आई कैन कंपेयर एन प्लस थ्री विथ एन प्लस इलेवन या फिर एन प्लस टू विथ एन टेन। तो बड़े वाले को बड़े वाले के साथ करो, छोटे वाले को छोटे के साथ कंपेयर करो, किसी भी एक को। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ एन प्लस टू इज इक्वल टू टेन, मतलब एन इज इक्वल टू एट इज द फाइनल आंसर। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड इट। पिछला वाला वीडियो देखना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद वाले अगले वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। बाय।